ईश्वर या तंजोराट, हालांकि इस नाम का जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन आज बात तंजोर आर्ट की, जिसने भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु को अपनी चमक से, अपने रंगों से सजा दिया। ये कला पलती पनपती है तंजावुर गांव में। हालांकि इसका सफर चोल साम्राज्य से लेकर के मराठा दरबार तक रहा। इन पेंटिंग्स में हिंदू देवी देवताओं को खास तौर पर चित्रित किया जाता है। सेमी प्रेशियस प्रेशियस स्टोन से बनी हुई इन पेंटिंग में एक स्वर्ण परत चढ़ी हुई होती है। इनका बेस वुडन प्लैंक, कैनवस, माइका, ग्लास, इन सभी पे ये बनाई जाती है और ये दुनिया भर में मशहूर है। इन पेंटिंग्स में लाल, हरे और सफ़ेद रंगों का भी खूब बखूबी से इस्तेमाल किया जाता है। जब इनका जो बेस बनाया जाता है वो फ्रेंच चॉक के अंदर अरेबिक गम या लाइम स्टोन के साथ में बना करके इसे एक बेस आकार दिया जाता है और इस पर जो उभार लिए हुए चित्र बनते हैं वो इसे एक 3D फॉर्म का आकार दे देते हैं। इन चित्रों के अंदर सबसे जो मेन कैरेक्टर होता है उसे सेंटर में बनाया जाता है। हालांकि हिंदू देवी देवताओं के अलावा राज दरबार, त्योहार सभी इसके दायरे में आते हैं। इन पेंटिंग्स के साथ में एक लंबा इतिहास और एक राजनीतिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है। इसे दक्षिण भारत में ही नहीं मराठा दरबार में भी बहुत सम्मान मिला। तो अगली बार जब दक्षिण भारत की सैर पर आप जाएंगे तो तंजोर आर्ट से सजी कलाकृतियों को अपने घर लेकर आएंगे। अगली बार मुझसे मुलाकात यहीं कीजिएगा। आर्ट इज प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट। टिल देन गुड बाय।